वहीं अब बात करते सहकार आंदोलन की, तो प्रदेश में सहकार आंदोलन नए कलेवर में सामने आने वाला है और विभाग ने किसान और आमजन से जुड़ी सहकारिता की कुछ घोषणाओं पर पिछले 5 महीने में काफी कुछ किया भी है। वहीं कल आने वाले बजट में भी इसकी बहुत ज्यादा उम्मीद की जा रही है कि बजट में सहकारिता पर फोकस होगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पिछले दिनों किसानों को मजबूत करने और सहकारिता से संबंधित बजट प्रस्तावों को लेकर काफी सजग भी दिखाई दिए। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा अप्रैल में लेखानुदान में की गई सहकारिता से संबंधित घोषणाओं पर विभाग ने तेजी से अमल किया। सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना और प्रमुख सचिव अभय कुमार ने भी घोषणाओं के क्रियान्वयन और लंबित योजनाओं को निश्चित समयावधि में पूरा किए जाने पर फोकस रखा। नतीजे में अधिकांश सभी घोषणाएं पूरी की जा चुकी है। कल आने वाले बजट में भी किसानों के लिए विभाग के माध्यम से कई नई योजनाएं लाई जाएंगी। सहकारिता एक्ट में बदलाव के साथ ही सरकार किसानों को फसली ऋण के लिए मोटी राशि का प्रावधान कर सकती है। इसके साथ ही सहकारी संस्थाओं के एक साथ चुनाव कराने, पृथक सहकारी भर्ती बोर्ड, दुर्घटना बीमा राशि को बढ़ाकर 10 लाख करने और सहकारी साख में वृद्धि के प्रस्ताव ठोस रूप ले चुके हैं। राजस्थान सरकार के बजट से हमारी ये अपेक्षा है कि गत सरकार के 3,500 करोड़ और बाकी 7,500 करोड़ कुल 11,000 करोड़ रुपए की ऋण माफी का बजट प्रावधान किया जाकर सहकारी बैंकों को ऋण माफी के पेटे पैसा दिया जाना चाहिए। साथ ही साथ जितनी भी सरकारी योजनाओं में लाभार्थी को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत भुगतान किया जाता है तो DBT के सभी भुगतान का माध्यम सहकारी बैंकिंग व्यवस्था और पैक्स होना चाहिए, यानी लाभार्थी के खाते में पैसे सहकारी बैंक और पैक्स के माध्यम से भुगतान किया जाना चाहिए। पिछले बजट की घोषणाओं की बात करें तो दुर्घटना बीमा राशि 7 से बढ़ाकर 10 लाख करना, सहकार किसान कल्याण योजना में 2% ब्याज अनुदान, किसानों को 5 लाख तक साख सीमा, 25% बी कंपोनेंट अनिवार्य की जगह ऐच्छिक, फसली ऋण पर हिस्सा राशि 9 से घटाकर 8% करने, सभी 29 केंद्रीय सहकारी बैंकों की वेबसाइट, पेंशनर्स को जयपुर दवाओं की होम डिलीवरी, SMS में सुपरमार्केट व कैंटीन, जयपुर, जोधपुर, अजमेर, कोटा में ऑनलाइन शॉपिंग, जिला सैटेलाइट और CHC में दवा बिक्री केंद्र और प्रत्येक जिले में 2-2 मिनी सुपरमार्केट शामिल थी। सहकारिता मंत्री आंजना ने भी लगातार CM गहलोत के निर्देश पर अधिकारियों के साथ बैठकें तो की ही है, साथ ही खुद किसानों के बीच जाकर उनकी जरूरतों को जाना है। ऐसे में तैयार किए गए बजट प्रस्तावों में विभाग को अहमियत मिली है। सूत्रों का कहना है कि आने वाला बजट किसानों पर फोकस्ड होगा, जिसमें सहकारिता विभाग के माध्यम से सरकार किसान और ग्रामीणों पर पकड़ मजबूत करना चाहेगी। इस बार खरीफ के लिए फसली ऋण वितरण में देरी हो गई है। ऐसे में CM गहलोत कल बजट में कुछ ऐसे प्रावधान कर सकते हैं ताकि किसानों को इस देरी से नुकसान ना हो। निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।